प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है स्वयं का मोल। तो बात यूं है कि एक बड़े शहर में एक आम का पेड़ था। पेड़ काफी बड़ा था, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसके आसपास एक पार्क बना दिया। पहले तो कुछ बच्चे उसके आसपास खेलते थे, लेकिन अब पार्क बन जाने के बाद हर उम्र का बच्चा वहां खेला करता। बच्चे तो इससे बहुत खुश थे, मगर आम का पेड़ बहुत दुखी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे उसकी टहनियों पर झूलें या उसके फल तोड़ें। और शोर तो पेड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पंछियों को वो अपनी टहनियों में घोंसला बनाने से पहले ही साफ साफ बता देता, देखो भाइयों बहनों, ज्यादा हल्ला गुल्ला मुझे पसंद नहीं, तो जितनी हो सके आवाज धीमी रखना। शाम को अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। मैं जरा जल्दी सो जाता हूं, इसलिए मुझे पसंद नहीं कि कोई उड़ उड़कर मेरी नींद खराब करे। और हां, सबसे आखिर में, जगह सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए दे रहा हूं, ज्यादा मेहमान रिश्तेदार ना आने पाए। अब जिन पंछियों जानवरों को यह शर्त मंजूर होती, सिर्फ वो ही वहां रुकते, बाकी सब अपना ठिकाना कहीं और ढूंढते। पेड़ के इस कठोर स्वभाव की खबर दूर दूर तक फैल गई। अब कोई पक्षी पेड़ के आसपास भी ना आता। अब सिर्फ बच्चे ही थे जिनसे वो परेशान था। इसी बीच चींची नाम की एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। चींची पहले जंगल में रहती थी, वहां उसे जगह की कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शहर में उसे कोई जगह पसंद नहीं आ रही थी। शहर की चिड़ियों ने उसे बताया, यहां तो भाई ऐसा ही है, जंगल जैसे बड़े घने पेड़ ढूंढने निकलोगी तो ढूंढती ही रह जाओगी। मेरी मानो तो जहां कुछ ठीक लगे घोंसला बना लो। मुझे देखो, मैंने तो एक गमले में तिनके बिछाकर अपना घोंसला बनाया है। चींची ये सब सुनकर हैरान भी हुई और दुखी भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा भी। इसी सोच में उड़ते उड़ते चींची आम के पेड़ के पास पहुंची। इतना बड़ा और हरा भरा पेड़ देखकर वो खुश हो गई, आखिर मिल ही गई मुझे मनचाही जगह। चींची की ची ची सुनकर पेड़ की नींद खुल गई और वो गुस्से में बोला, ए चिड़िया, यहां क्यों आई हो, क्या चाहती हो? चींची बड़े प्यार से बोली, आमू भैया, मैं चींची चिड़िया हूं, दूर जंगल से आई हूं, तुम्हारे शहर में घोंसला बनाने की जगह नहीं ढूंढ पा रही हूं। तुम्हें देखा तो लगा अपने जंगल वाले आमू भैया हैं, इसीलिए बस। आमू भैया, आम के पेड़ को अपने लिए यह सुनना अच्छा लगा। आज तक उसे किसी ने भी इस नाम से नहीं बुलाया था। सो उसने अपनी शर्तें चींची चिड़िया को बताकर उसे अपना घर बनाने की इजाजत दे दी। चींची भी फौरन मान गई। अब थोड़ी दिक्कत के बदले अगर मनचाही चीज मिल रही हो तो दिक्कत उठाने में हर्ज ही क्या है। धीरे धीरे चींची और आमू की दोस्ती पक्की हो गई। चींची आमू को जंगल के किस्से सुनाती और आमू ये सब सुनकर पहले खुश होता और फिर दुखी हो जाता। एक दिन उसने चींची को अपने दिल की बात बताई। चींची बहन, मैं भी जंगल में होता तो कितना अच्छा होता, चारों ओर शांति होती, यहां तो ये बच्चे आए दिन मुझे तंग करते हैं, मेरी डालियों टहनियों पे झूल झूल कर उन्हें तोड़ देते हैं, कई कई दिन तक मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, और अपने ऊपर फल लगे तो मैंने कभी देखे ही नहीं, ये शैतान पकने से पहले ही उन्हें तोड़ लेते हैं, मेरे ऊपर भी अगर पके हुए फल लगते तो मैं भी कितना सुंदर दिखता, काश मैं भी जंगल में होता तो मेरे पास शांति और सुंदर रूप दोनों ही होते। चींची आमू की बात सुनकर कहने लगी, आमू भैया, ऐसी बात नहीं है,
जंगल में भी पेड़ कोई बहुत सुखी नहीं है, उन्हें भी बहुत दुख है। ये सब सुनकर आमू की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है आमू भैया, जंगल में कई पेड़ ऐसे हैं जिन पर बहुत फल लगते हैं और लगे ही रहते हैं। कुछ जानवर थोड़े बहुत फल जरूर खा लेते हैं, लेकिन बाकी बचे फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं होता। फलों के बोझ से पेड़ थक कर झुक जाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। और पता है, ये बोझ उन्हें तब तक सहना पड़ता है जब तक सारे फल एक एक करके खुद ही जमीन पर ना गिर जाएं। अच्छा, पेड़ ने हैरानी से कहा, ये तो कुछ नहीं आमू भैया, गिरे हुए फल जब सड़ जाते हैं तो उनकी बू किसी को भी पेड़ के पास नहीं आने देती। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारे फल कोई खा रहा है, चींची ने आमू को समझाया। लेकिन ये जो बच्चे मेरी टहनियों से झूलते हैं, वो पता है मेरी कितनी ही टहनियां इन बच्चों ने तोड़ी हैं, आमू ने नाराजगी से कहा। इस पर चींची ने जवाब दिया, तुम जानते हो आमू भैया, जंगल में भी तेज हवाएं टहनियों को क्या पेड़ों को भी गिरा देती हैं, लेकिन जब तुम्हारी टहनियां बच्चे तोड़ते हैं तो वहां से नई और सुंदर टहनियां भी तो आ जाती हैं। आमू भैया, ये बच्चे तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ खेलने आते हैं। अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो जैसे पंछियों ने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया है, वैसे ही ये बच्चे भी तुमसे रूठ जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। चींची की बात ने आमू को गहरी सोच में डाल दिया। सच ही तो कह रही है ये चींची, मुझे भगवान ने जो दिया उसकी कीमत, उसका मोल मैं समझा ही नहीं। दूसरों के दुख को उनका सुख समझकर वही भगवान से मांगने लगा। अगर आज चींची ने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं अपना पूरा जीवन एक ऐसी चीज पाने में लगा देता जिसमें सुख से ज्यादा दुख होता। तो देखा बच्चों, अपनी छोटी छोटी परेशानियों पर हमें आमू पेड़ की तरह परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपनी खूबियों को समझना चाहिए और चींची चिड़िया की तरह अपनी हिम्मत से दुख को सुख में बदल लेना चाहिए। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।